उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई बहु फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी डेढ़ दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2003 से लेकर 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी, उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। ABP News आपको रखे आगे।